सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। हम लोग अपना एक्सरसाइज 14 आरएस अग्रवाल का कर रहे थे, उसका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए क्या कहता है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने 7-8 बनाया वैसे ये भी बन जाएगा। सर देखिए, सर क्या कहता है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द बेस इज 30 डिग्री। सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सर मतलब जो हमारा लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि जमीन से चिपका हुआ है वो कितना डिग्री उठा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट द सेम पॉइंट मे बी 60 डिग्री। सर और यूज करना है आपको √3 1.732। देखिए सर बोल क्या रहा है बेसिकली कि सर एक टावर है जो कि अभी अनफिनिश्ड है, जिसको पूरा बनाया नहीं गया है, ऊपर अभी क्या है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। क्या चल रहा है सर, बनावट चल रहा है सर, बनाया जा रहा है उसको। ठीक है सर, क्या बनाया जा रहा है पता नहीं सर, लेकिन बनाया जा रहा है। बोल क्या रहा है ना कि इसका जो बेस है उस बेस से कितना 75 मीटर दूर एक कहीं पे एक पॉइंट है सर, एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, जहां से ये जो अनफिनिश्ड टावर है वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। सर अभी मैंने बताया आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए ये जो लाइन है ये इस लाइन से कितना डिग्री ऊपर जा चुका है, उसी को तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं ना सर। समझ में आया? हाँ सर, बस और कुछ नहीं है सर। और आपको क्या बोल रहा है, और आपको बोल रहा है कि इस टावर को और कितना बड़ा होना पड़ेगा कि ये जो अभी 30 डिग्री है ना ये 60 डिग्री हो जाए। मतलब ये जो यहां जा रहा है ये यहां जब जाए तो कितना बनाए एंगल, 60 डिग्री बनाए। यानी कि आपको ये भी तो गिवन है ना सर कि जब टावर बनेगा तो उसका जो बेसिकली फुल एंगल आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री। अब आप बोलिएगा सर ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है सर, क्यों आप इस पर वीडियो बना रहे हैं? क्योंकि सर थोड़ा सा मतलब, चलिए सर छोड़िए वो सब बातें, रहने देते हैं। देखिए क्या है कि आपको बेस गिवन है, ठीक है, और परपेंडिकुलर ही तो निकालना है सर, नहीं निकालना है। देखिए ये जो बेस है ये बड़े वाले ट्रायंगल का छोटे वाले ट्रायंगल का सेम है ना, यानी कि अगर आप इस बेस को 10 थीटा में रखें, 10 थीटा क्या कहता है सर, P/B है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसी से हमने याद रखा था है ना। आप लोग देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, अगर 10th का आपको आधे घंटे के अंदर खत्म करना है तो इंट्रो वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक की एंगल वैल्यूज का टेबल बनाने का ट्रिक आपको देखना है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो उसके लिए भी हम लोगों ने वीडियोस बना दी है, उस पर अच्छे खासे व्यूज गए हैं, आप जाके देख सकते हैं, मजा आ जाएगा सर। चलिए देखिए अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मतलब सॉल्यूशन पे आते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो अनफिनिश्ड टावर है वो हमारा क्या था, ए और बी था सर, ठीक है, और कहीं पॉइंट सी था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि टावर के बेस से कितना दूर है, 75 मीटर दूर है, और जो अनफिनिश्ड टावर जितना हमको रेज करना है उसको हम मान लेते हैं अपना डी, ठीक है। हाँ, और ये जो यही ना हमको निकालना है सर। देखिए ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले इस बेस से इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम निकाल लिए सर तो बड़े वाले में इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू अगर कर देंगे तो यहां निकल जाएगा ना, मैं नहीं समझ में आ रहा, समझ जाएंगे सर। मान लेते हैं कि हमको x निकालना है सर, क्या निकालना है, x निकालना है, ये निकालना है ना अनफिनिश्ड टावर, मतलब कितना और बढ़ जाए ये, ठीक है। हाँ, तो मतलब पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी बी द अनफिनिश्ड होता है ना टावर, ठीक है, हमारा अनफिनिश्ड टावर है सर ए बी, ठीक है, या बी ए कुछ भी बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, और जो टावर रेज हो रहा है वो क्या है हमारा ए डी, ए डी बी द रेज्ड टावर, और उसको हम लोगों ने माना क्या है सर, ए डी को हम लोगों ने मान लिया है एक्स मान लिया है, कुछ नहीं है सर, जो इसमें लिखे ना वही यहां लिख रहे हैं फिर से, ताकि सर मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है इससे और साथ में आपके एग्जामिनर भी खुश हो जाएंगे कि फिगर भी बना दिया बंदे ने और लिख भी दिया, और लिखना जरूरी भी है सर, है ना। और देखिए क्या है, बी सी बी द डिस्टेंस, बी सी बी द डिस्टेंस, देखिए सर ये हमारा डिस्टेंस हो गया और बी सी हमको कितना गिवन है सर, 75 मीटर गिवन है सर, ठीक है। अब फ्रॉम फिगर क्या बोलता है सर, फिगर कि इन ट्राइंगल ए बी सी,
इन ट्राइंगल ए बी सी हमको क्या मिलता है, टेन सी इज इक्वल टू, टेन सी क्यों लिए, क्योंकि थीटा हमको कितना गिवन है सर, सी, जो एंगल हमको गिवन होता है उसी को तो लेते हैं ना, तो एंगल सी गिवन है तो सी ले लीजिए सर। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा ए बी, ठीक है भैया ए बी लिख दिए, बेस हमारा बी सी, तो ठीक है बी सी लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बी सी हमको कितना गिवन है, 75 मीटर, तो 75 लिख दिए। ए बी हमको गिवन है क्या, नहीं सर ए बी ही तो निकालना है, तो ए बी हम लोगों ने यहां लिख दिया। अब टेन सी देखिए सर, ये छोटे वाले ट्राइंगल का थीटा कितना है, कितना है सर 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अभी मैंने आपको बताया ये एंगल वैल्यूज, आप याद रखने का ट्रिक देख सकते हैं जाके, बहुत अच्छे व्यूज भी गए हैं उस पर, है ना। अब ये क्या हो गया ए बी, ठीक है, अब ये 75 इधर डिवाइड में था, डायरेक्ट कर देते हैं इधर मल्टीप्लाई में, मतलब ऊपर भेज देते हैं सर, तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया 75/√3 आ गया सर। आप इसको रैशनलाइज करके सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, रूट थ्री का आपको वैल्यू भी दिया है, लेकिन सर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि हमको ये निकालने नहीं बोला, अगर ये निकालने बोलता सर तो हम करते। देखिए कहीं बोला है क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, बस बोला है कि ये जो टावर रेज हुआ है, मतलब यानी कि एक्स आपका कितना है, बस वही निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। अब बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं, अगेन इन ट्राइंगल क्या सर, अब कौन सा ट्राइंगल, बी सी डी, है ना, बड़ा वाला बी सी डी, वहां से हमको क्या मिलता है टेन सी इज इक्वल टू, अब फिर से बेस तो सेम है ना सर, यही तो इसमें ट्रिक है कि सर आपका बेस क्या है, सेम है ना, और ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल सर ये पूरा परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी प्लस डी ए, या फिर बी डी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तब तक के लिए, है ना, या बी डी डी बी लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, बी डी डी बी सेम ही है। अब टेन सी, सी इस बार क्या है सर, सी एंगल आपका कितना हो गया है 60 डिग्री, तो टेन कितना हो जाएगा यहां पे सर 60 डिग्री हो जाएगा। अब बी डी या डी बी क्या है, ए बी प्लस क्या सर एक्स, है ना, हाँ, तो x प्लस, अब आप बोलिएगा सर कि AB का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो पुट कर दीजिए ना, क्या है सर 75/√3, आप इसको सॉल्व कर सकते थे इधर भी, कोई दिक्कत नहीं था, कोई आपको नहीं मारेगा, यहाँ और ज्यादा आसान हो जाता आप लोगों के लिए, डायरेक्ट रखते और निकल जाता वैल्यू, लेकिन नहीं सर हम लोगों को थोड़ा ज्यादा चुल मचता है ना। BC क्या है सर, BC है 75, तो 75 लिख दिए। अब देखिए 1060 डिग्री क्या होता है, 1060 डिग्री होता है √3 सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब यहां पे LCM लेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा √3x + 75/√3। देखिए सर कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, समझिए एक बार, x के नीचे 1 है, यहां √3 है, दोनों का LCM लिए तो √3 आया, नीचे वाले को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये √3 1 से डिवाइड होगा तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो √3x हो जाएगा, और नीचे क्या है हमारा 75 ऑलरेडी है, यहां पे हमारा क्या है √3 रखा हुआ है सर। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं है ना, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये 75 हम इधर भी भेज सकते थे, लेकिन अभी भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 75 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 75/√3 इज इक्वल टू √3x + 75/√3। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। देखिए सर यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3, ये √3 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है, और ये आपका लास्ट यानी कि थर्ड स्टेप है, मतलब ये पहले फिर ये तब यहाँ पे, ठीक है। अब ये √3 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा 75/√3 का स्क्वायर सर। आप इसको डायरेक्ट 3 भी लिख सकते थे, क्योंकि अभी आप लोग इतना बुद्धिमान है, मुझे ये पता है ना, हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री पूरा सॉल्व करके यहां तक आए हैं तो पता ही होगा ये सब चीज। तो अब देखिए ये रूट और स्क्वायर कट गया, मतलब क्या बचा 3, 75/3 का कितना होता है 225, है ना, 225 आ गया हमारा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए √3x + 75, अब ये प्लस 75 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, 225 - 75 = √3x हो जाएगा, चल समझ में आया। अब देखिए सर 75/3 = 225, 75/2 = 150, है ना सर, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा √3 × x, ठीक है, ये 150 है, 150, ठीक है। अब ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके फिर से डिवाइड में, यानी कि x = 150/√3
थ्री। अब इसको रेशनलाइज कीजिए, यानी कि रूट थ्री बाय रूट थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों सर? क्योंकि नीचे अगर 1.732 अगर हम डाल देते हैं तो डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत होगा ना, मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, तो वही करते हैं। ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री बन जाएगा, ऊपर रूट थ्री आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अरे मेरे पास तो जगह ही नहीं बची भाई। चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्व होगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 50 रूट थ्री बाय थ्री। देखिए ये रूट थ्री से मल्टीप्लाई हुआ, यहां देखिए रूट थ्री रूट थ्री, फिर से देखिए रूट थ्री का स्क्वायर, तो ओवरऑल वो थ्री ही बना था ना, तो उसको थ्री बना दिए सर, ठीक है। हाँ अब देखिए ये कटेगा क्या, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन और जीरो, 50 into √3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो करते हैं, यहाँ पे जगह कम है लेकिन फिर भी करते हैं। अब 50 into √3 का वैल्यू रखिए, अब रूट थ्री का वैल्यू है 1.732, ठीक है, दिख रहा है, लिखते हैं, देखिए दिखेगा। 5 2 10 0 कैरी 1, 5 3 15 + 1 16 कैरी 1, 5 7 35 + 1 6 और यहां पे 3, 5 1 5 + 3 8 0 लगा, कितने का पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट, यानी कि आपका 86.6 मीटर आपका क्या आ गया सर, आंसर आ गया सर। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। देखिए कुछ भी नहीं किए, बस हमको क्या निकालना था, ये x निकालना था, उसके लिए हम लोगों ने ये निकाला, इसका वैल्यू इस पूरे में पुट किया और हम लोगों ने अपना x निकाल लिया। अब लिख सकते हैं हेंस द टावर विल बी रेज्ड बाय 86.6 मीटर टू मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए सर ये था क्वेश्चन नंबर 9, बढ़ते हैं आगे।